अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य में भारी बर्फबारी के कारण प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है? ए मेघालय, बी असम, सी जम्मू कश्मीर या डी उत्तराखंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 9798-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले भागलपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। भागलपुर के सराय स्थित विवेकानंद कॉलोनी निवासी शिक्षक चंद्रभूषण सिंह उर्फ सीबी सिंह ने एचडीएफसी बैंक के दबाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उसे न्याय दिलवाने के लिए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले भागलपुर के प्रतिष्ठित शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च विवेकानंद कॉलोनी महादेव सिंह कॉलेज से निकलकर खलीफाबाग चौक स्थित एचडीएफसी बैंक तक पहुंची। इस दौरान सीएफआई के सचिव ने कहा कि एचडीएफसी बैंक को सीबी सिंह के परिवार वालों से माफी मांगनी होगी, साथ ही 15 फरवरी तक 50 लाख से 1 करोड़ तक का मुआवजा राशि देना होगा। बताइए, सीबी सिंह जी के पीछे एचडीएफसी का जो कारनामे है वो अत्यंत दुखद है। एक शिक्षक पूरा अपना जिंदगी बच्चों का पढ़ाई में, देश की भलाई में लगाता है, ऐसे शिक्षक को ये कोरोना के महाकाल में ये जो टॉर्चर किए हैं इसको खंड करना चाहिए सभी लोगों को, एंड सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। और एक महीने का मोहरत देते हैं एचडीएफसी को, उनको फैमिली से माफ़ी मांगना पड़ेगा और मुआवजा देना पड़ेगा, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में मुआवजा देना पड़ेगा, तभी उनके साथ कोई देंगे, नहीं तो पूरा कोचिंग इंडस्ट्री का ऑल ओवर इंडिया से सब कैंसिल किया जाएगा। और हमारे 50 लाख बच्चे जो है उनका पेरेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि सारे एचडीएफसी के अकाउंट जो है कैंसिल करें, सिर्फ एक महीने का मोहलत है उनको, फरवरी 15 तक अगर ये माफी मांग के मुआवजा नहीं देते परिवार को तो पूरा अकाउंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 3 करोड़ का उनका नुकसान करवा देंगे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। मारपीट की घटना के बाद महिला ने दिया एसएसपी को आवेदन। भागलपुर के जगदीशपुर थाने के पुरैनी निवासी इसरत खातून ने गांव के ही दबंग पड़ोसी मोहम्मद आजम और उसके परिवार के लोगों द्वारा पूरे परिवार के साथ मारपीट करने का आवेदन सीनियर एसपी नितिशा गुड़िया को दिया है। इधर इसरत खातून द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि मारपीट की घटना में उसके 7 माह की गर्भवती पुत्री को भी गंभीर चोट लगी है। साथ ही इसरत ने बताया कि आरोपियों के द्वारा उसके सास ससुर ननद को घर से भगाकर घर में तोड़फोड़ की गई है और इसकी शिकायत 8 जनवरी को जगदीशपुर थाने में करने के बावजूद अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर भेजा है, इसका सबूत करो। अगर वो गलत है, कौन गलत फोटो, किस जमीन कहाँ है?
जमीन में घर के पास है। कहाँ घर है, कौन खाना है? पुरैनी दक्षिण वाला पुरैनी घर है। अच्छा, कौन फंसा रहा है? ये जावेद, ये आजम, मुकर्रम और जावेद। काहे फंसा रहा है? ये जब वो फोटो गलत बोला कौन जी, ये तुम्हारा देवर है ना, गलत फोटो भेजा है इस पे और गंदा गंदा फोटो करके इस पे दूसरे तीसरे को दिखा रहा है और ये हम लोग को फंसा रहा है। जावेद कौन है आपका? जावेद वही आजम का ये बनो है। आजम आपका कौन है? आजम कोई नहीं है, हम लोग का रिलेशन। आपको क्यों फंसा रहा? वो यही बोल रहा है कि तुम्हारा देवर इस पे फोटो भेजता लड़की का। अच्छा। इसी लड़की का फोटो इसे भेज करके वो गंदी फोटो बना करके व्हाट्सएप फेसबुक को छोड़ा है और हम लोग का कोई प्रूफ नहीं है ना उसके पास का प्रूफ है। ये बोलता है कि हम नहीं भेजे, वो बोल रहा कि हम भेजा, ये लोग भेजा है, ये जमीन का विवाद लेकर के वो लोग ऐसा कर रहा है और वो घर में घुस करके जबरदस्ती हम लोग को मारा, घर से भगा दिया। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, वहाँ से भगा दिया हम लोग को, चार दिन से घर में नहीं है। क्या बोल के भगा? बोला यहाँ ना रहने देंगे, जाओ यहाँ से। तुम लोग बंदूक दिखाया, मेरे से नहीं है, हम लोग घर में नहीं रहते हैं, जबरदस्ती भगा दिया। नौगछिया एसपी ने मॉर्निंग पेट्रोलिंग का किया औचक निरीक्षण, मॉर्निंग वॉक स्थल व संवेदनशील स्थानों पर करें नियमित पेट्रोलिंग। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सोमवार की अली सुबह थाना क्षेत्र में नियमित होने वाले पुलिस पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण किया। सुबह 4 बजे वे जिले की सड़क पर पुलिस पेट्रोलिंग की स्थिति को देखने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने नौगछिया शहर के साथ साथ NH 31 पर हो रहे पुलिस पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने 0 माइल के समीप NH 31 पर पेट्रोलिंग गाड़ी को पाया। सुबह के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। SP ने पुलिस पदाधिकारी को कहा कि सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, थाना क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों पर सुबह के समय अपनी गतिविधि करें। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थलों पर पेट्रोलिंग करें ताकि उन स्थलों पर शराब एवं अन्य अवैध धंधे पर नियंत्रण हो और अपराधियों की गिरफ्तारी की संभावना रहे। आपके एरिया में जहाँ जहाँ मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ से इसके अलावा जो संवेदनशील है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नौगछिया SDO ने की मास्क चेकिंग, बिना मास्क के 81 लोगों को किया गया जुर्माना। नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में सोमवार को मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। सोमवार की दोपहर दोनों पदाधिकारी जांच के लिए नौगछिया बस स्टैंड के पास NH 31 पर पहुंचे, जहां उन्होंने बस एवं ऑटो की जांच की। जांच के दौरान ऑटो एवं बस में पाया गया कि यात्रा के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। जांच अभियान के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने वाहन चालकों को सवारी बैठाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए COVID-19 को लेकर जो भी प्रोटेक्शन जैसे मास्क एवं सैनिटाइज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन लोगों को जुर्माना किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान कुल 81 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है। सभी लोगों से कुल 4,050 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया के इंटर स्तरीय विद्यालय में गुरु सम्मान समारोह का आयोजन। इंटर स्तरीय विद्यालय नवगछिया में 1987 बैच के छात्रों ने गुरुजनों का सम्मान समारोह आयोजित कर विद्यालय के तत्कालीन गुरुजन अजीत बाबू, राम खिलावन बाबू, रामदेव बाबू, पंडित अत्यानंद बाबू, सुभाष बाबू, कृष्ण कुमार बाबू, ज्ञानदेव बाबू, हरिलाल बाबू, कपिल देव बाबू, पुरुषोत्तम बाबू को सम्मानित किया है। समारोह के संयोजक अनिल शर्मा, हिमांशु शेखर, भवानंद झा, संजय कुमार, पंकज टिबड़ेवाल, रंजीत झा, सजन गुप्ता सहित 1987 बैच के सभी छात्र शामिल देखे गए। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया के गोसाई गांव में कंबल का किया गया वितरण। नवगछियान मंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव पंचायत में गोपालपुर मुखिया संघ अध्यक्ष सह गोपालपुर के गोसाई गांव पंचायत के मुखिया धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव द्वारा 500 से अधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर श्री यादव ने बताया कि यह कंबल वितरण आगे भी जारी रहेगा। मौके पर कार्यक्रम में राधे रमन सिंह, संजय शाह, संकेत शिवम, सत्यम शिवम, चांद कुमार, ऋषु कुमार, जीवन प्रकाश बम बम, बाजू कुमार, शिवम कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। उप सरपंच को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विरोध में स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। ढोलबजा के खैरपुर कदवा दुर्गा मंदिर के जमीन अतिक्रमण के मामले में अभियुक्त बनाए गए उप सरपंच परमानंद शर्मा को सोमवार की सुबह कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में आक्रोशित वहां के सैकड़ों स्थानीय लोग करीब 8 बजे सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बाबा विश्व राउत पुल के संपर्क पथ खैरपुर कदवा के पास इस बांस बल्ली लगाकर करीब 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा, जिससे भटगामा जीरो माइलवा कदवा मिलन चौकी और भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में कई सवारी वाहनों के साथ साथ स्कूली बस भी फंसे हुए थे। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल रणविजय शर्मा, राजकिशोर शर्मा, मुन्ना मंडल व सरपंच वीरेंद्र मंडल के साथ कई अन्य उपस्थित थे। क्या नाम हो आपका? रणविजय शर्मा। इस बात को लेकर के आप लोग जो है कदवा के फोर लाइन को जाम किए हैं? दुर्गा स्थान में विवाद हुआ था, अतिक्रमण मुक्त किया जाए फील्ड को, उसमें पृथ्वी देश सवाल पिलर दे रहा था। ग्रामीण लोग का कहना था इस पिलर को अपने साइड से हटा लीजिए, इसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में जो है आरोपी भी कोई बना? आरोपी कोई नहीं बना था, उसमें पुलिस ने झूठा आरोप लगा दिया कि हरवे हथियार के साथ हमारा राइफल छीनने का कोशिश कर रहा था, मतलब वो सब बात नहीं था। आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को लेकर कर रहे हैं, परमानंद शर्मा का आज गिरफ्तारी हो गया है। ये है परमानंद शर्मा, कौन है? खैरपुर शर्मा टोला का। क्या सुन रहे? उप सरपंच है क्या? उप सरपंच है। उसी केस में पंकज जायसवाल है, चार्जशीट से कैसे बरी हो गया, इसके हमारा न्याय चाहिए। इस केस में पहले पंकज जायसवाल? हाँ, पंकज जायसवाल था, एकदम शुरू से था, अभी भी है। पैसा के बल पे उबच रहा है और प्रशासन उसके यहाँ जाके चाय पीता है। इधर सभी आदमी को, गरीब सब महिला को बर्तन कर रहा है। आप लोगों का मांग क्या है बताइए? पंकज जायसवाल का 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी, नहीं तो फोर लाइन फिर से जाम करेंगे और थाना घेरेंगे। बड़ा बाबू का जो कहना है। केस में कुल कितना लोग है? 27 आदमी था। और किस केस को खत्म किया जाए, हमारा यही मांग है। ठीक। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में निजी क्लिनिक से लाया जा रहा दवाई फिर हो रहा उपयोग। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति बदतर है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे मरीजों का कहना है कि अस्पताल में अधिकांश दवाई उपलब्ध नहीं है। उस वक्त कार्यरत डॉक्टरों का स्पष्ट शब्दों में निजी क्लिनिक से दवाई लाने की बात कही जाती है। अनुमंडल अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि गंभीर स्थिति में पहुंच रहे मरीजों को तत्काल उपचार तत्पश्चात आनन फानन में मायागंज रेफर कर दिया जा रहा है। समुचित दवाई की कमी नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में दिख रही है। मामले को लेकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जिसकी जानकारी विभागीय अधिकारी तक को दी गई है। 3 कानून के विरोध में भाकपा माले ने दिया धरना। 3 कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले ने सोमवार को इस्माइलपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में
एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। धरना सभा में वक्ताओं ने कहा कि तीन कृषि कानून सरकार का तुगलकी फरमान है, जब तक सरकार तीनों कानून को वापस नहीं लेती है तब तक उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मौके पर चंद्रशेखर मंडल, धनेश्वर मंडल, मनोज कुमार शाह, उमेश कुमार मंडल, पटवारी यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। तेजस्वी यादव से प्रवक्ता अरुण यादव ने मुलाकात कर क्षेत्र के जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से कराया अवगत। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से शिष्टाचार मुलाकात किया और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। श्री यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नौगछिया सहित भागलपुर जिले की राजनीतिक स्थिति और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से अवगत कराया। भाजपा जदयू को जनता से जुड़े समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। एनडीए के लोग सिर्फ जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। श्री यादव ने कहा कि बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार से जनता त्रामी माम है, इसलिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई व कार्रवाई जैसे जन सरोकारी मुद्दों को नीतीश भाजपा सरकार के खिलाफ राजद आंदोलन करेगा। आंदोलन का रूपरेखा राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा है, इसका शीघ्र ही घोषणा किया जाएगा। बिहपुर ग्वारीडीह में ग्रामीणों का सर्च अभियान जारी, मिले महत्वपूर्ण पुरावशेष। ग्वारीडीह में जयरामपुर निवासी अविनाश कुमार उर्फ गंगा के नेतृत्व में कोसी कछार में सर्च अभियान लगातार जारी है। युवाओं ने कोसी कछार से सोमवार को कई तरह की सामग्री को इकट्ठा किया है। इस क्रम में एक छोटा बेहद खूबसूरत कलश आकृति का घड़ा मिला तो कई ऐसे पात्र भी मिले जो देखने से काफी पुराने लग रहे हैं। दूसरी तरफ युवाओं ने इस तरह के दुर्लभ पत्थर को भी इकट्ठा किया है। अविनाश ने कहा कि उन लोगों ने सोमवार को प्राप्त हुए पुरावशेषों को किसी नदी के तट से एकत्रित किया है। उन लोगों ने सुबह ग्वारीडीह पहुंचते देखा कि कछार में कई तरह के सामान बह रहे हैं। कुछ युवक नदी में गए और एक एक कर सामग्रियों को एकत्रित किया। अविनाश ने कहा कि पुरावशेषों को उन लोगों ने मुर्गा फार्म पर संग्रहित किया है। नवगछिया में टाउन वन फीडर में 6-6 घंटे 2 दिन बाधित रहेगी बिजली। नौगछिया के टाउन फीडर 1 से 2 दिन 6-6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त जानकारी बिजली विभाग के शहरी क्षेत्र के कनीय अभियंता प्रशांत निधि सिंह ने देते हुए बताया कि पुराने एवं झंझर तारों को बदलने के लिए कार्य को लेकर 12 और 13 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मकंदपुर चौक और गोसाई गाँव क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। मेरे बलमा पड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो ले आयो। नारायणपुर, प्रेमी संग फरार महिला को पुलिस ने किया बरामद। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र से प्रेमी संग फरार महिला को भवानीपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि प्रेमिका के संग प्रेमी भमरपुर के प्रीतम चौरसिया को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में महिला के पिता रायपुर निवासी गोरेलाल शाह ने भमरपुर के प्रीतम चौरसिया, शंकर चौरसिया सहित 3 अन्य पर बहला फुसला कर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। महिला अपने साथ 2 वर्षीय बच्चे को भी लेकर गई थी। श्री नीरज कुमार ने बताया कि महिला का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा जबकि प्रेमी प्रीतम को जेल भेजा जाएगा। नवगछिया के कदवा व ढोलबजा में 251 छात्र छात्राओं ने दी 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा। इंटर स्तरीय आदर्श उच्च विद्यालय कदवा में सोमवार को आयोजित 12वीं के
भौतिकी प्रायोगिक परीक्षा के पहले दिन 94 छात्र व 31 छात्राएं शामिल हुए। वहीं मंगलवार को जीव विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा। उधर ढोलबजा हाई स्कूल में भी 126 छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हुए। रंगरा, शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा थाना क्षेत्र के सदुआ छापर गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को रंगरा पुलिस ने धर दबोचा है। जानकारी मिली है कि जब युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा था तो उसी समय एक ग्रामीण ने पुलिस को फोन पर सूचना दी। इसके बाद रंगरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को शराब के नशे में हंगामा करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि मामले की बाबत थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, पोखर के सामने, गौशाला रोड, नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद ले मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नौगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही,
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। मेरे बलमा पड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो लियो। खुल गया, खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597।